दोस्तों, मोर इस दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है। अपने चमकदार त्वचा के रंग और बड़े आकार रंगीन पंखों के कारण ये पक्षी एक अतुलनीय सौंदर्य बन गया है। जब एक मोर अपनी चोंच उठाकर नाचता है तो ये देखने लायक होता है, और इसलिए लाखों लोग इस नृत्य के नजारा को देखने के लिए इंतजार करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ मोर को ही ये दर्जा क्यों दिया गया? यूं तो मोर हम सभी का जाना पहचाना पक्षी है, लेकिन मोर से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में हम में से बहुत से लोग ठीक से नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, इस बेहद चिर परिचित पक्षी को नए तरीके से जानने के लिए आप सभी हमारे आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मगर जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ पास के बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मोर को हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? किसी अन्य पक्षी को हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी होने का दर्जा क्यों नहीं दिया गया है? तो चलिए पहले इस मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारत की आजादी के बाद जब देश के राष्ट्रीय पक्षी के चयन का समय आया तो मूल रूप से तीन पक्षियों का नाम चुने गए। इन तीन पक्षियों का नाम है बत्तख, सारस और मोर। लेकिन हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ऐसा एक पक्षी को देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाना चाहते थे जो देश के लगभग सभी भागों में पाया जाता है और जिसे भारतीय विरासत और संस्कृति का अभिन्न अंग भी कहा जाता है। इसलिए अंत में मोर का नाम भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में चुना गया। वास्तव में मोर एक ऐसा पक्षी है जो आपको विभिन्न राज्यों जैसे बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और लगभग पूरे भारत में मिल जाएगा। मोर भी हिंदू धर्म और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि हमें अक्सर विभिन्न पौराणिक कथाओं में मोर का जिक्र मिलता है, इसलिए मोर को हमारे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया जाता है। तो अब हम मोर के शारीरिक विशेषताओं के बारे में थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी दुनिया में तीन तरह की मोर प्रजातियां पाई जाती हैं। नंबर एक, भारतीय मोर या नीला मोर। नंबर दो, हरा मोर। और नंबर तीन, अफ्रीकन मोर। दरअसल ये सच नहीं है कि मोर सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। मोर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देशों में पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के साथ साथ श्रीलंका और म्यांमार में भी मोर को राज्य पक्षी का दर्जा दिया जाता है। अब अगर हम मोर की शारीरिक संरचना की चर्चा करें तो हम पाएंगे कि मोर की अधिकतम लंबाई लगभग 100 से 115 सेंटीमीटर होती है और इनका अधिकतम वजन 4 से 6 किलोग्राम तक हो सकता है। नर मोर के शरीर पर रंगीन शल्क होते हैं और नर मोर के शरीर पर 200 से अधिक शल्क होते हैं। मादा मोर के शरीर पर कोई पंख नहीं होता है। मोर मूल रूप से सर्वाहारी के रूप में जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे लगभग कुछ भी खा सकते हैं। मोर अपने भोजन के रूप में छोटे छोटे कीड़ों, छिपकलियों, सांपों, मेंढकों, चूहों और छोटे छोटे फल, सब्जियां, बीज, पत्ते आदि खाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोर के पंख होते हुए भी मोर कभी भी ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते हैं। दरअसल उनके लिए अपने भारी शरीर के साथ बहुत ऊंची या बहुत दूर तक उड़ान भरना कभी संभव नहीं होता है। अन्य शिकारियों से अपनी जान बचाने के लिए मोर बड़े पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर बैठ सकते हैं। दोस्तों, इस बार हम मोर के सेक्स लाइफ के बारे में कुछ जानकारी पेश करने जा रहे हैं। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन शुरू में ये माना जाता था कि मोर एक ऐसा पक्षी है जो कभी भी यौन क्रिया में संलग्न नहीं होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर मोर कभी प्रजनन क्रिया में लिप्त ही नहीं रहे तो उनका विस्तार कैसे हो रहा है? दरअसल मूल रूप से ये सोचा गया था कि जब नर मोर रोता है तो मादा मोर नर मोर की आंखों की आंसू को पी जाती हैं और मादा मोर गर्भवती हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों,
ये बिल्कुल भी यथार्थवादी नहीं है। वास्तव में मोर अन्य सभी पक्षियों की तरह यौन क्रिया में संलग्न होते हैं, लेकिन उनका संभोग इतना क्षणभंगुर होता है कि इस दृश्य को देखना भी भाग्य की बात है। वास्तव में नर मोर मादा मोर में एक एवियन प्रजनन अंग होता है जिसे क्लोका कहा जाता है। ये क्लोका नर और मादा मोर के बीच शुक्राणुओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। जब मोर के प्रजनन का समय आता है तो मादा मोर नर मोर को देखने लगती है और नर मोर भी अपने रंग बिरंगे पंखों से मादा मोर को आकर्षित कर लेता है। जब एक नर मोर को गलती से मादा मोर समझ लिया जाता है तो मादा मोर नर मोर के सामने आ जाती हैं और वे संभोग करने लगते हैं, जो केवल 15 सेकंड तक चलता है। तो दोस्तों, इतने समय से हम ये जान चुके हैं कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा क्यों दिया जाता है और मोर यौन क्रिया में कैसे लिप्त होता है। लेकिन आइए अब मोर की गर्भावस्था के बारे में कुछ और जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मोर अप्रैल के मध्य से अंडे देना शुरू कर देती हैं। वे एक बार में 5 अंडे तक दे सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोरनी किसी भी घर में अंडे नहीं देती हैं, बल्कि ये अपने अंडे सुरक्षित खुले मैदान में रखना पसंद करती हैं। लगभग 28 से 30 दिनों के बाद इन अंडों से बच्चे निकलते हैं और इन बच्चे की सारी जिम्मेदारी मादा मोर को निभानी होती है। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बच्चे जन्म के एक दिन के अंदर ही चलना और खाना सीख जाते हैं, लेकिन इस समय उनके शरीर पर कोई पंख नहीं देखा जा सकता है। लगभग 1 वर्ष के बाद उनके शरीर में सभी पंख और शल्क विकसित हो जाते हैं। दोस्तों, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मादा मोर के पंख खूबसूरत नहीं होते, जैसे नर मोर अपने खूबसूरत पंखों के जरिए मादा मोर को आकर्षित करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नर मोर एक बार में लगभग 5 मादा मोर को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है? क्या आप सुनकर हैरान हैं? वास्तव में यही हकीकत है। हर साल अगस्त के मध्य में नर मोर अपने सारे पंख गिरा देता है, फिर नए पंख उगाने लगता है। इसलिए पेखम के लालच में कभी भी मोर को नहीं मारना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतना खूबसूरत चेहरा होते हुए भी मोर कभी कभी बहुत उदास हो जाता है और मोर रोने लगता है? ये अवास्तविक लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। वास्तव में मोर की पंखुड़ी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, मोर के पैर बहुत बड़े होते हैं। इसलिए मोर जब भी अपने पैरों को देखता है तो परेशान हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यहीं से जन्मी ये बेतु की कहावत कि नर मोर के आंसू पीने से मोरनी गर्भवती हो जाती हैं, जो सिर्फ बकवास है। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे विभिन्न पुराणों में मोर का अनगिनत बार वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, हम हमेशा भगवान श्री कृष्ण के पास मोर पेखम देखते हैं और भारत में विभिन्न मंदिरों में भी मोर पेखम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो ऐसे पक्षी को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए ना। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का वीडियो। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।